जय श्री राधे जी। वेलकम टू डंगेस्ट्रो। हमारी हस्तरेखा हमारे जीवन को खुली किताब बनाता है। इसके माध्यम से आप अपने जीवन के हर एक पहलू के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका जीवन कैसा होगा, किस प्रकार से विकास होगा, क्या दोष है, क्या आपके लिए शुभ योग है, इन सब के विषय में विस्तृत रूप से यहाँ से आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे उन खास रेखाओं के विषय में जो कि महत्वपूर्ण रेखाओं के साथ साथ गमन करती रहती है गुमनामी में, लेकिन उसका होना मात्र ये स्पष्ट करता है कि जातक अपने जीवन में धन्य धान्य से पूर्ण होगा। यानी कि जातक अपने जीवन में नेम फेम को प्राप्त करेगा, मनी को प्राप्त करेगा, बड़ा धनाढ्य होगा, अमीरों में उसकी गिनती होगी। उन्हीं खास रेखाओं के विषय में आज हम जानेंगे और विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु के पर्वत क्षेत्र पर होने वाले कुछ खास परिवर्तन के विषय में। जब भी आप अपने जुपिटर के इस माउंट को देखते हैं तो इसको काफी गहराई से देखा जाना चाहिए। जो इनका बेस है ये काफी लालिमा युक्त होना चाहिए और ऊपर की तरफ उभार होना चाहिए। जब भी ऐसी उभार की स्थिति आती है ऐसे लोग अपने जीवन में काफी यश कमाते हैं, काफी नाम कमाते हैं, इनकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। ये अपने जीवन में सही कर्मों के द्वारा, सही कार्यों के द्वारा जीवन को काफी उन्नति की स्थिति में लेते चले जाते हैं और अपने आप को अमीर की श्रेणी में लाके खड़ी कर देते हैं। इनकी इज्जत, इनका मान इतना ज्यादा होता है कि इनके नाम से भी काफी ज्यादा काम आपके बाहर में हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके इस गुरु के इस माउंट पे कुछ खास चिन्ह जिसमें कि क्रॉस का चिन्ह हो जावे, जो कि स्पष्ट तौर पे हो, कहीं से भी खंडित ना हो, यानी कि ब्रेकेबल ना हो। इसके अलावा यहाँ पर अगर स्क्वायर का सिंबल आ जाए, इसके अलावा ट्राइडेंट का सिंबल आ जाए, तो ये सारे सिंबल यहाँ के लिए अत्यधिक शुभ है। जब भी इनकी उपस्थिति यहाँ पर होगी ये स्पष्ट करती है कि जातक अपने जीवन में किसी न किसी कालखंड में जब आप पूर्ण हस्तरेखा का विश्लेषण करवाते हैं तो उससे पता चलता है कि किस उम्र में कौन सी चीजें आपको प्राप्त होगी। तो किसी न किसी कालखंड में आप धन के मामले में काफी ऊपर जाएंगे और अमीरों में आपकी गिनती होती चली जाती है। इसके अलावा जो कुछ खास और दो सिंबल है उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, वह है सूर्य और शनि से संबंधित। यानी कि सबसे पहले शनि का यह क्षेत्र, शनि का यह क्षेत्र जितना ज्यादा बेहतरीन अवस्था में होगा, जितना ज्यादा उभार लिए होगा, ये उतनी ही बेहतरीन दशा को दिखाने का काम करता है। इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज है और बिरले है वह है शनि की रेखा का होना। जब भी शनि की रेखा शनि के इस पर्वत क्षेत्र पर मौजूद होगी तो ये स्पष्ट करने के लिए, सुस्पष्ट कर देती है कि जातक अपने जीवन में कभी भी तकलीफ में जिंदगी नहीं बिताएगा, जातक अपने जीवन में कभी भी आर्थिक तौर पे अपंग नहीं होगा, जातक अपने जीवन में कभी भी दिवालियेपन का शिकार नहीं होगा, जातक अथाह धन को प्राप्त करेगा, अथाह वैभव को प्राप्त करेगा और बड़े ही अमीरों में उनकी गिनती होगी। इसके साथ अगर संयोग बैठ जाता है सूर्य की इस रेखा का तो ये पद के साथ साथ जातक को शक्ति यानी कि पावर भी देती है और साथ ही धन की स्थिति को भी आगे बढ़ाने का काम करती है। अगर आपकी शनि की रेखा यहाँ पर भाग्य रेखा के साथ यानी कि एक एक्टिव भाग्य रेखा के साथ इनका जुड़ाव हो रहा है तो इस स्थिति में भी शनि पूर्ण रूप से इस पे अपना आधिपत्य जमा लेता है और शनि के अकॉर्डिंग भाग्य आपका दिन दुगुनी रात चौगुनी स्थिति में आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। जिस भी कार्य में आप हाथ लगाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, आप मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेंगे और अपने आप को जमीन से उठा के आसमान में स्थापित कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अकूत दौलत के स्वामी ऐसे लोग होते चले जाते हैं। बड़े से बड़े लोग जो कि आर्थिक तौर पे बड़े संपन्न हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उन सब की हथेली में आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं सूर्य की रेखा की स्थिति। एक स्पष्ट सूर्य रेखा और शनि की एक मजबूत स्थिति आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे देगी, क्योंकि ये जब तक नहीं होंगे तब तक अकूत जैसी स्थिति लोगों के जीवन में नहीं आती है। इसके अलावा कुछ होते हैं हाइट सिंबल यानी कि अदृश्य रेखाएं, अदृश्य चिन्ह, जिनका होना आपके जीवन में और भी ज्यादा बेहतरीन गुणों को लाता है। लेकिन उस अदृश्य चिन्ह और उसके जो सिंबल हैं उसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त होती है जब बोथ पाम के लाइंस को आप देखते हैं, जब इनर लाइंस आपस में किसी रेखा कृति को बनाती है, उसे जब आप पढ़ पाते हैं, उसे जब आप समझ पाते हैं तो उस द्वारा उन चीजों को आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे शनि के क्षेत्र में कुछ अन्य बनने वाले शुभ चिन्हों के विषय में, जिसमें होता है यहाँ पर सबसे पहले विष्णु तिलक। विष्णु तिलक की स्थिति अगर आपके शनि के क्षेत्र में एक बेहतरीन अवस्था में हो जावे तो ये भी जातक के लिए एक सुगम रास्ता को तैयार करने का काम करती है और जातक आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करने की स्थिति में आता चला जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर त्रिशूल की स्थिति आएगी तो ये भी स्पष्ट करती है कि जातक अपने जीवन में आर्थिक तौर पे बड़ी समृद्धि को प्राप्त करेगा, चल अचल संपत्ति और प्रॉपर्टी के रूप में उसके पास काफी धन की स्थिति बनी रहेगी, इसमें कहीं से कमी नहीं आएगी। अब मान लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हथेली में सूर्य रेखा बड़ी छोटी है तो क्या ऐसे लोग अमीर नहीं होंगे? बिल्कुल, उस मामले में आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर उपस्थिति कैसी,
कैसी है, सूर्य का बेस कैसा है, इसके अलावा यहाँ पर जो रेखाएं बन पड़ी हैं उन रेखाओं में ऊर्ध्व रेखाएं हैं या अर्धव रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है, इसके अलावा मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा इन दोनों के बीच में गैप कितना है, साथ ही जीवन रेखा जब यहाँ से निकली है तो इनके मध्य में गैप कितना है। ये जितना ज्यादा गैप लेके चलेंगी उतनी बेहतरीन अवस्था को दर्शाने का काम करती है। मस्तिष्क रेखा जितनी छोटी होगी ये उतनी ज्यादा बेहतरीन और आर्थिक तौर पे आपको संपन्न यानी कि फिनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट करने का काम करती है और आगे बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा कुछ सामान्य स्थिति है जो किसी की हथेली में होगी तो उसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग अपने जीवन में एक बेहतर धन की स्थिति को प्राप्त करेंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं जिससे कि कहीं नाम आ जाए कि हाँ ये अपने इस एरिए में या इस क्षेत्र के ये बहुत बड़े धनाढ्य हैं, वो उस श्रेणी में नहीं लेकिन अपने आप में एक बड़ी श्रेणी को जिसे आप कह सकते हैं कि हाँ करोड़पति तक की स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति में आ जाते हैं जब इस प्रकार के महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है, जब इस प्रकार के गुंबद का निर्माण होता है और त्रिभुज की स्थिति का निर्माण होता है। ये धन पेटी का काम करती है। नीचे के क्षेत्र में जब भी यहाँ पर स्क्वायर की स्थिति आएगी ये तत्कालिक धन को आपकी तरफ बढ़ाने का काम करती है और ये भी एक दूरगामी स्थिति में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सेज और रास्ते को तैयार करती है जिससे आप अपने जीवन में बेहतरीन रूप से आर्थिक स्थिति को प्राप्त करेंगे। इसके अलावा बुध की रेखा जितनी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रांग होगी ये भी आपको बहुत ज्यादा उन्नति देने का काम करती है। मस्तिष्क रेखा में कुछ खास ध्यान रखना, मस्तिष्क रेखा सूर्य के क्षेत्र तक आते आते खत्म हो जाए बहुत सुंदर, चाहे बाद में कोई दूसरी भी रेखा आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितनी ज्यादा लंबी होगी ये उतना ज्यादा परेशान करेगी। अगर लंबी हो तो उस समय ध्यान देना है कि इनके मध्य में गैप बहुत लंबा हो, गैप लंबा हो प्लस हाथ बहुत चौड़ा हो, इस क्षेत्र में जो ये झुकाव है ये बाहर की तरफ अत्यधिक होना चाहिए। ऐसी स्थिति में इसका कुप्रभाव कुछ कम होगा और धन की स्थिति बेहतरीन होगी, लेकिन अगर ये बहुत बड़ी है और ये यहाँ पर गैप भी छोटा है तो ऐसी स्थिति में आपके लिए मुश्किलें खड़ी होती रहेंगी। इसके अलावा जो कुछ अन्य रेखाएं हैं जिन्हें देखा जाना चाहिए औसत धन की स्थिति के लिए, मैं औसत धन की जब बात करता हूं तो उसे समझना चाहिए एक करोड़पति की अवस्था, और जब मैं बेहतरीन और अकूत धन की बात करता हूं तो उस समय अकूत ही समझना चाहिए जिसकी गिनती संभव न हो ऐसी परिस्थिति। तो यहाँ पर जब शुक्र की ऐसी स्थिति हो जाएगी और बेहतरीन रूप से आगे बढ़ेगी, यहाँ पर अच्छे सिंबल्स की उपस्थिति होगी तो यहाँ पर आपके लिए खाते पीते जीवन को स्पष्ट करने का काम करता है। तो जो मुख्य रेखा है सबसे महत्वपूर्ण वो है आपके शनि की रेखा, आपके सूर्य की रेखा और आपका गुरु का पर्वत क्षेत्र, इन तीनों पे अगर बेहतरीन स्थिति है तो फिर आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने जीवन के जिस भी कालखंड में नियति का साथ मिलना होगा उस कालखंड में वो चीजें आपको प्राप्त होकर रहेंगी। ज्यादा विश्लेषण के लिए जब आप अपनी बूथ पाम के एनालाइज में जाते हैं या हॉरोस्कोप एनालिसिस में जाते हैं तो उस समय चीजें आपको स्पष्टता क्लियर हो जाती है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।